नुपुर शर्मा मामले में पुलिस द्वारा नुपुर शर्मा को 22 तारीख तक का समय दिया गया है। इस मामले में सरकार तत्काल कार्रवाई करे, हम सरकार से सहमत नहीं है, ऐसा कहते हुए मुमरा में अखिल भारतीय इमाम परिषद ने एक संवाददाता सम्मेलन में उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। नुपुर शर्मा के खिलाफ 22 तारीख तक ठोस कार्रवाई करे, नहीं तो हम सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी चेतावनी भी दी। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपने विवादित बयान को लेकर विवादों में घिर गई है। उनके विवादित बयान के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में 50 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। थाने मुमरा पुलिस स्टेशन में भी मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने शर्मा को 22 जून को पेश होने के लिए समन जारी किया है। अखिल भारतीय इमाम परिषद ने आज मुमरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अखिल भारतीय इमाम परिषद के पदाधिकारियों द्वारा नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए दिए गए समय पर आपत्ति जताई है। नुपुर शर्मा को 22 या 15 दिन की अवधि क्यों दी जाती है? नुपुर शर्मा को तुरंत पुलिस कमिश्नर या DIG द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें पुलिस के प्रदर्शन पर कोई आपत्ति नहीं है और हमें उन्हें गिरफ्तारी के लिए दिए गए समय पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इस अवधि के दौरान आरोपी भागने या गिरफ्तारी से सुरक्षा पाने के लिए अलग अलग तरीके खोजने की कोशिश कर सकता है। साथ ही कई लोग सोशल मीडिया के जरिए आरोपियों का समर्थन कर रहे हैं और पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। यह देश का अपमान है, यह हमारी धरती का ही अपमान नहीं है, देश का अपमान है। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा जैसे व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण पद के प्रभारी व्यक्ति पर कलंक है, यह आरोप भी उन्होंने किया। मुमरा पुलिस के साथ में मुल्क भर की पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि जरा उसको सेंसिटिव लेकर के कार्रवाई को आगे बढ़ाए। नहीं बढ़ाएंगे तो ऐसे हालात पैदा होंगे। अगला कदम बिल्कुल वाजे है कि हम तमाम NGOs को लेकर, तमाम पार्टीज को लेकर के, यहाँ से लेकर के कलेक्टर ऑफिस तक का पैदल मार्च करेंगे लाखों की तादाद में इंशाल्लाह। और जब तक कि उसके खिलाफ यकीनी कार्रवाई का सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें आदेश नहीं मिलता है, उस वक्त तक के हम अपने धरने पे एहतजाज पे बैठे रहेंगे। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे हम तमाम मसालिक के उलमा के भी शुक्रगुजार हैं, वहदत इस्लामी से मुश्ताक बेग साहब और PFI के जनाब अब्दुल मतीन शेखानी साहब और इस्लामिक यूथ और भी दीगर तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद हैं। इन तमाम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की तरफ से बुलाए गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल वाज़े है, कुरान करीम में अल्लाह पाक का इरशाद गिरामी है, वला तसुब्बुल लदीन यदउन मिन दूनिल्लाह, के मजहबी शख्सियात में से किसी को कोई बुरा भला न कहे। ख़ास तौर से अहले इस्लाम को मुखातब किया गया है कि आप किसी भी मजहबी तकद्दुसात को या मजहबी शख्सियात को बुरा भला न कहें।